हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली पालक खिचड़ी, जो हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने आधा कप बासमती चावल लिया है, 1/4 कप मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, और 1/4 कप तुअर दाल ली है। दोनों दालों को एक बर्तन में ले लीजिए और राइस को अलग बर्तन में ले लीजिए। इसको दोनों को अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लीजिए और पानी निकाल के फ्रेश वाटर इसमें डाल दीजिए और डुबो दीजिए। आधे के घंटे के लिए हमें भिगो के रख देना है ये सभी चीज़ों को। इसके बाद एक कुकर ले लेते हैं और दाल जो हमने भिगोई है ना, उसका पानी निकाल के दाल को कुकर में ले लेंगे और इसके अंदर डबल से थोड़ा, मतलब 2.5 गुना जितना पानी डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा नमक डालेंगे ज़रूरत के अनुसार, 2 पिंच हल्दी डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। इसको अच्छे से चला के कुकर बंद करके इसको 3 से 4 सीटी आने देंगे। इसके बाद कुकर ठंडा हो जाए तभी हम खोलेंगे। यहाँ पे राइस से हमें 3 गुना पानी लिया है और नमक डाल के राइस को डाल देंगे। राइस को हम जैसे दाल राइस में राइस पकाते हैं नहीं, इसी तरह से खुले पानी में पका लेना है और इसको हमें 90% तक पका लेना है, उसके बाद छान लेना है। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने पानी लिया है वापस से गर्म करने के लिए, गर्म हो जाए उसके बाद नमक डाल के मैंने एक बंडल पालक को अच्छे से वॉश करके साफ करके ले लिया है, वो डाल देंगे। और इसको हमें 2 से 3 मिनट ही रखना है पानी के अंदर, उसके बाद हमें नितार के डायरेक्ट ही इसको आइस वाले वाटर में डाल देना है, ताकि ठंडे पानी में डाल देना है ताकि इसका जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाए। इससे क्या होगा कि इसका कलर जो पालक का है ना, वो बहुत ही अच्छा खिला खिला एकदम ग्रीन रहेगा। ठंडे पानी में हम 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद मिक्सर जार में नितार के डाल देंगे। अदरक डालेंगे थोड़ा थोड़ा, हरे धनिया का डंठल डाला है, 2 हरी मिर्च डाली है, 5 से 6 कली लहसुन की ली है। इसको बिना पानी डाले हम क्रश कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। घी से इस खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। 2 पिंच हींग डाल के थोड़ी सी लहसुन की कलियों को मैंने काट लिया था वो डाल देंगे। आधे मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे और 1 ऑनियन को मैंने एकदम बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। ऑनियन को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक अच्छे से पका लेना है। ऑनियन पक जाए उसके बाद 1 टमाटर मैंने एकदम छोटा काट के लिया है वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें मसाला कर लेते हैं तो 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है और जो पालक की पेस्ट हमने बना के रखी है वो डाल देंगे। पालक का कलर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ग्रीन आया है। अभी यहाँ पे दाल हमारी पक गई है, आप देख सकते हैं पानी इतना रहा है। ऐसी दाल हमें चाहिए, एकदम कड़क दाल नहीं बॉईल करनी है, तो इतना पानी डालेंगे ना तो इनफ बॉईल हो जाएगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी राइस हमारे 90% कुक है तो एकदम खिले खिले बने हैं, वो डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे। तो इसी तरह से हम अलग अलग राइस और दाल को बॉईल करेंगे ना, तो एकदम रेस्टोरेंट में जैसे मिलती है ना खिली खिली, ऐसे हमारी हरियाली खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। और टेस्ट भी इसका हम आगे एक तड़का देने वाले हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है, देगी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डालती हूँ, 1 टीस्पून जीरा डालती हूँ, 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, कड़ी पत्ता डाला है। उसके बाद मैं इस तरह से लहसुन की कलियाँ डाल दूंगी। इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद तुरंत ही हमारी खिचड़ी में छौंक डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी हरियाली खिचड़ी बनके तैयार हो गई, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।